स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम चर्चा कर रहे हैं क्या ये जो कुछ एनडीए में तमाशा हो रहा है और जो 18 साल का रिश्ता है वो टूट रहा है, कहीं उसके पीछे लाल की चाल तो नहीं है। उदय सिन्हा जी हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ हैं। उदय जी, क्यों आपको लगता है कि ये पैमाना जो है, जो मैं सवाल श्रीकांत जी से कर रहा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये पैमाना अलग अलग है सेक्युलर का लेकर, अपने हिसाब से ढाल लिया है जेडीयू ने मोदी और आडवाणी को लेकर? देखिए, एक बात और समझने की कोशिश कीजिए, भारत की राजनीति पहले कांग्रेस विरोध की राजनीति थी, उसके बाद जो राजनीति हुई वो बीजेपी विरोध की राजनीति हुई, अब ये मोदी विरोध की राजनीति है। और मोदी विरोध की राजनीति की इस कड़ी में नीतीश कुमार मुझे लगता है एक सिर्फ मोहरे की तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये मोदी विरोध जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सेंट्रल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बीजेपी, बल्कि इसलिए है कि नीतीश कुमार भी उसी स्पेस के एस्पिरेंट थे। और जब एक बार ये स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए के उम्मीदवार वही होंगे, नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। नीतीश कुमार को 18 साल में एक बार भी कभी ये नहीं लगा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस तोड़ना चाहिए। सडनली उन्हें ये लग रहा है, तब जबकि नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का इंचार्ज भर बनाया जाता है, सिर्फ इससे नीतीश कुमार को लगने लगा कि उनके जो असाम्प्रदायिक उनके विचार हैं उसको खतरा है और नीतीश कुमार जो है वो पता नहीं कहाँ खो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल व्यक्तिगत है और ये सेंट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए है। लेकिन कालांतर में जो होगा वो होगा कि जैसे बीजेपी विरोध के बाद बीजेपी शासन में आ गई, वैसे ही मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी को भी गेंद होने वाला है। जी श्रीकांत जी, उम्मीद करता हूँ इस बार आप जवाब देंगे, आपको क्यों ये चीज नजर नहीं आ रही सीधे सीधे जेडीयू की दोहरी रणनीति, और या फिर आडवाणी का कद इतना बड़ा है कि आड़े आ जाता है, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। सुषमा ट्वीट करती है कि किसी तरीके से एनडीए गठबंधन को बचाया जाए। मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, श्रीकांत के पास वापस चलेंगे। हमारे साथ गौरी शंकर लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। गौरी शंकर जी, खबर तो ये भी आ रही है कि आपकी पार्टी में फूट पड़ गई है, शरद यादव एक तरफ, नीतीश एक तरफ। हमारी पार्टी में न कभी फूट पड़ी थी न पड़ने वाली है, गठबंधन में आप पड़ रही है पड़ चुकी है। हम लोग एकदम एकजुट है और नरेंद्र मोदी को किसी तरह से स्वीकार करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाल फरेब वाली पार्टी है, जाल फरेब में हम लोग उसके 17 साल पड़े रहे हैं और किसी तरह मुक्त होने जा रहे हैं। नहीं, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शरद यादव के पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, कह रहे हैं कि नीतीश जाते हैं तो जाएं, हम बीजेपी के साथ हैं। सरदार पटेल की तस्वीर लगी हुई है और आज ये सरदार पटेल की मूर्ति बनाने चले हैं, उसके नाम पर लोहा वसूलने चले हैं। बीजेपी को अब इससे बाद आप इनकी राजनीति देखिए, और कह रहे हैं कि हम 17 साल से थे, जिनके पास जितने भी एमएलए थे, ये हमारे को जो सब एमएलए हमारे पास थे, 29 एमएलए जब हमारी पार्टी में ये हो गया उसके बाद ब्रेकअप करके इनके पास चले गए। जब तक वो हमारे पास थे तब ये कहते थे ये तो चोर है, आज इनके पास आ गए तो वो सब साधु बन गए। वैसे ये आज अपने आप को साधु बनाना चाहते हैं। 17 साल अगर ये इनके साथ रहे हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी 17 साल में इनको गलत नहीं दिखी, जब जो गोधरा कांड हुआ तब गलत नहीं दिखी, जब राम मंदिर हो गया तब आपको गलत नहीं दिखी, आज नीतीश कुमार को खाली एक ही नजर आ गया, क्योंकि उसने बिहार में क्या किया, कब्रिस्तानों के पीछे में थोड़ी सी 10-15 कब्रिस्तानों के सराउंडिंग में कुछ दीवारें बनाई, तो 10-15 मुस्लिम उसके साथ में रहने के बाद उसको लगा कि मैंने सब माइनॉरिटी को पूरा झोले में डाल दिया, वो उसकी गलत फहमी है। टोटल माइनॉरिटी का गेम है, माइनॉरिटी वोट के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अदरवाइज पहले भी वो बीजेपी के झोले में रहे, पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने जब मोदी जी के साथ में ये अपने पंजाब में वो खड़े हो गए, हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हो गए, तब मोदी जी के कुमरल नहीं थे, तो आज कैसे कुमरल हो गए जी? उदय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ नरेंद्र जी कि टूटने के लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं जी, लेकिन क्या लाल कृष्ण आडवाणी टूटने देंगे इतनी आसानी से, या शरद यादव
भी टूटने देंगे एनडीए को इतनी आसानी से। लेकिन मोदी जी, अगर अगर मोदी अगर मोदी कैंपेन हेड बन सकते हैं आडवाणी के विरोध के बावजूद, तो वो तो चाहेंगे कि गठबंधन टूट जाए। नहीं, वो संभव है कि नहीं चाहेंगे गठबंधन। उदय जी, वो सिर्फ ज्यादा यूं जो चाह रही है, ज्यादा यूं सिर्फ इतना चाह रही है कि आप ये घोषित कर दें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। जैसे ही ये घोषणा होगी, वैसे ही ज्यादा यू को तमाम चीजें जो है वो उनमें नहीं दिखेंगी नरेंद्र मोदी में, और नीतीश कुमार बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये घोषित नहीं करेगी, वो सांप्रदायिक दिखते रहेंगे। उदय जी, ये भी खबर है कि सीपी ठाकुर कह रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले हैं, जितने विधायक है जितने मंत्री हैं, तो फिर ये गठबंधन कैसे बचा रह सकता है? नहीं, ये तो दबाव की राजनीति है, दोनों तरफ से दबाव हो रहा है। अभी देखिए, एक नीतीश कुमार हार्डलाइन लिए हुए हैं और शरद यादव कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक तो गठबंधन है। उधर से सुषमा जी ट्वीट कर रही है कि इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों पार्टियां अगर शरद और नीतीश अलग हो जाते हैं जी, ऐतिहासिक जरूरत है, सुषमा जी बता रही है। उदय जी, पूरी कोशिश ये हो रही है कि गठबंधन बचा रहे, लेकिन गठबंधन टूटेगा अगर, तो क्या शरद यादव गठबंधन टूटने देंगे? क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद शरद यादव अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? और बिहार का पूरा यूथ अनएम्प्लॉयड है, और इसके साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो ये लोग कैसे टूटने देंगे? मेरा सवाल गौरी जी, उदय जी जो कह रहे हैं, सीधी सीधी गीदड़ भभकी है, तोड़ना आप भी नहीं चाहते, क्योंकि शरद यादव के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, उनके पास कुछ रहेगा नहीं, एनडीए के कन्वीनर है, अगर सरकार आ गई तो हो सकता है मंत्री भी बन जाए, वरना आपने बिहार सरकार में तो उनको कुछ दिया नहीं। अध्यक्ष शरद जी आज के नेता नहीं है और जमीनी नेता है जी, जमीन पर जदयू बिहार के अलावा कहीं बाहर है भी नहीं जी। तो ऐसी परिस्थिति में शरद यादव जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, वो जमीनी नेता है और ऐसे दंगाइयों के साथ रहना वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे। जब तक दूध था दूध, जब नरेंद्र मोदी का नींबू था, लेकिन इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। जब रेलवे मंत्री और 18 साल तक जेडीयू की दोहरी रणनीति पर ध्यान नजर आ रही है आपको, देख रही है यह आडवाणी का कल आ रहा है। 2002 में दंगाई में जवाब श्रीकांत जी, तो 2002 में भाजपा दंगाई नहीं दिखी, वो आके 2013 में दंगाई दिखी है। नहीं, 1996 जी, मैं श्रीकांत से आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगा। श्रीकांत जी, आप क्या आडवाणी का कद दाढ़ी आ रहा है साफ बोलने से? सुषमा ट्वीट करती है लेकिन सामने आकर कोई नहीं कहता है, बहुत संक्षेप में। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, तकनीकी गड़बड़ी है, बारिश हो रही है दिल्ली में, तो जाहिर है जवाब सीधे सीधे ना तो जेडीयू के पास है और ना ही सीधे सीधे श्रीकांत इस बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन तमाशा अभी लंबा चलेगा, इतना तय है। बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।